नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में हर जगह धरना प्रदर्शन करा। शासन प्रशासन अल्पसंख्यकों के साथ गलत रवैया अपना रहा है। बढ़ती हुई महंगाई और तबलीगी जमात के साथियों की गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ में कम्युनिटी में आपस में नफरत फैलाने के खिलाफ CANRC में प्रदर्शन करने वालों के साथ केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र छात्राओं की गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ इन तमाम मुद्दों पर मुस्लिम लीग की कानपुर यूनिट ने मच्छरिया स्थित रमजानी चौराहे पर धरना दिया। उपस्थित हुए लोग जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरफान, जिला महासचिव चंद्रशेखर प्रजापति, एडवोकेट सैयद मोहम्मद साहेब सिद्दीकी, उपाध्यक्ष नसीम सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। मोदी जी अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं। हम मोदी जी से इंसाफ मांगते हैं कि कम से कम हमारे देश के जो अल्पसंख्यक है, जो बेगुनाह है, उनके ऊपर तो ये सब और चाइना से लड़िए। चाइना से लड़ने के लिए हम लोग तैयार है, हमारी पूरी कौम तैयार है लड़ने के लिए, हमें आगे करिए। लेकिन हमारे देश के जो भाई हैं, जो NRC के लिए खड़े हुए हैं, हम लोगों का हक है मांगना। उसके विरुद्ध अगर वो मोदी जी उनके ऊपर कार्रवाई करते तो हम लोग इस पे मांग उठाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ेंगे। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। आज जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हो, क्या मकसद है? आज का मकसद जो है वो भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं, इसमें सबसे ख़तरनाक नीति है कि अल्पसंख्यकों के अंदर जो भावना पैदा हो रही है, ख़ास तौर से मॉब लिंचिंग को लेकर के, ख़ास तौर से जिस तरीके के बयान आते हैं, तो उससे जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, उससे जो दमनकारी ऐसी नीति सरकार के सामने आ रही है, चाहे वो सफूरा जरगर का मामला हो, तमाम CANRC में जो पकड़े जा रहे हैं बेगुनाह लोग, तो इस तरह की जो नीतियाँ हैं, इससे जो नुकसान देश को पहुँच रहे हैं और जो दुनिया में हमारी छवि जा रही है, इसके खिलाफ हम लोगों को जो है यहाँ पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। और ये पूरा नेशनल लेवल पर प्रदर्शन हम लोग मना रहे हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ज़रिए से। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज पूरे देश में इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। अपना मैसेज देना चाह रही है सरकार को कि सरकार को जागना चाहिए और देश को अगर बनाना है तो सबको साथ, दिल से सबका साथ और सबका विकास जो है वो दिल से करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ जबान से।